पता नहीं क्या कर रहे हैं आज बिजली वाले, आज मेरा ख्याल है व्लॉग हमारा नहीं आएगा आज। गाइस मैं अभी अपने दोनों फोन का कैमरा कंपैरिजन करने लगा हूं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज चुके हैं तकरीबन 2, तो रात से हमारी बिजली गई हुई है, तो अभी आई है जाके। तो फिलहाल मैं व्लॉग जो है अपना अपलोड करने लगा हूँ, तो बिजली नहीं आ रही थी तो व्लॉग भी नहीं अपलोड हुआ। अभी 2 बज गए, अभी व्लॉग जो है मैं अपलोड कर दूँ, टाइम लगेगा इससे पहले कि दोबारा बिजली चली जाए। आजकल बिजली जो बहुत ज़्यादा जा रही है, तो इसलिए मैं अभी व्लॉग जो है अपना अपलोड कर दूँ। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल आएंगे और बारिश होगी, तो अभी देखते हैं। वैसे तो हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा, मौसम खुशगवार हुआ हुआ है, तो अभी देखते हैं बादल आते हैं, देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती। अभी फिलहाल ना मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ। लो जी गाइस, तो अभी व्लॉग मैं अपलोड कर रहा था तो बिजली फिर चली गई, तो पता नहीं कब आएगी। पहले सारी रात नहीं आई तो दिन भी नहीं आई, तो अभी 2 तकरीबन बज गए हैं, तकरीबन 2 से ऊपर टाइम हो गया, अभी दोबारा चली गई। पता नहीं क्या कर रहे हैं आज बिजली वाले, आज मेरा ख्याल है व्लॉग हमारा नहीं आएगा आज। कोशिश थी मेरी कि आज भी आए, लेकिन आज मुझे लग रहा है या तो काफ़ी ज़्यादा लेट आएगा या फिर आज फिर नहीं आएगा। और क्या हो सकता है, जो लाइट की सूरत चल रही है फिर ऐसे ही होगा। तो अभी फिलहाल नीचे चलते हैं, जाके खाते हैं खाना। चले जी, लाइट दोबारा आ गई है, तो अभी दोबारा से ना करते हैं ब्लॉग अपलोड। दोबारा बिजली चली गई है यार, क्या कर रहे हैं। अब नहीं मैं ब्लॉग अपलोड करूंगा, अभी मैं बैठूंगा, कुछ घंटा बिजली टिकेगी तो फिर ब्लॉग अपलोड करूंगा। अभी 5 मिनट के बाद गई, अभी गई थी 5 मिनट बाद आ गई, अभी दोबारा चली गई है, तो अभी मेरे ख्याल ज्यादा देर बाद ही आएगी। 5 मिनट बाद फिर आ गई बिजली, तो अभी मैं खाने लगा हूँ खाना। तो आ जाए जी, आलू गोश्त का छोर और साथ रोटी। खाना खा लिया तो अभी करते हैं ब्लॉग को अपलोड दोबारा। फाइनली गाइस, तो हमारा ब्लॉग जो है वो अपलोड हो गया, तकरीबन 3:30 हो गए, तो अब जाके हमारा ब्लॉग जो है अपलोड हुआ है। तो तकरीबन काफी ज्यादा टाइम लगे, बीच में तो बिजली बाबा जा रही थी, तो अभी बिजली टिकी हुई है। फाइनली हमारा ब्लॉग अपलोड हो चुका है। गाइस मैं अभी अपने दोनों फोन का कैमरा कंपैरिजन करने लगा हूँ और आपको दिखाने लगा हूँ, तो आप फैसला कीजिएगा किसका रिजल्ट जो है कैमरा क्वालिटी अच्छी है और किसकी अच्छी नहीं है। तो अभी जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये है जी मेरा गूगल पिक्सल 3 है, इसका 12 मेगापिक्सल कैमरा है और ये सिंगल कैमरा है, और ये रिकॉर्ड करता है 60 FPS पे भी और 30 FPS पे भी। तो अभी गाइस मैंने तो अपने दोनों कैमरा जो हैं वो ऑन कर लिए हैं, तो अभी जिस कैमरे से मैं बात कर रहा हूँ ये है जी मेरा गूगल पिक्सल 3 है, और ये जो कैमरा है ये मेरा रेडमी नोट 6 प्रो का। रेडमी नोट 6 में पीछे डुअल कैमरा आता है और गूगल पिक्सल में पीछे सिंगल कैमरा आता है। ये 12 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है और ये भी 12 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है। इसके गूगल के अंदर होती है जी 30 FPS और 60 FPS पे रिकॉर्डिंग, रेडमी के अंदर सिर्फ 30 FPS पे रिकॉर्डिंग होती है। गूगल पिक्सल जो है 4K भी रिकॉर्ड करता है और ये शाओमी जो है 4K रिकॉर्ड नहीं करता। बात कर लेते हैं इनके कलर ग्रेडिंग की, तो आपको अभी नजर आ रहा होगा कि गूगल पिक्सल की कलर ग्रेडिंग कैसी है और रेडमी नोट 6 प्रो की कलर ग्रेडिंग कैसी है। वैसे तो नोट 6 प्रो का कैमरा जो ज्यादा वाइड है बनिस्बत पिक्सल 3 के, तो पिक्सल 3 का कैमरा थोड़ा सा कम वाइड है, लेकिन इसका रिजल्ट देखने में मुझे तो अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने अभी बताना कि रेडमी नोट 6 प्रो इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है या पिक्सल 3 का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है। गूगल पिक्सल 3 को एक फ्लैगशिप फोन माना जाता है और रेडमी को एक नॉर्मल सा फोन माना जाता है, तो अभी दोनों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं और मैंने एंगल भी जो है वो चेंज कर लिया ताकि आपको अच्छी तरह से इनकी क्वालिटीज का अंदाजा हो सके। ये है जी मेरा गूगल पिक्सल 3 है और ये है जी मेरा रेडमी नोट 6 प्रो। रेडमी नोट 6 प्रो में पीछे 2 कैमराज आते हैं, एक होता है डेप्थ सेंसर कैमरा और एक होता है इसका मेन कैमरा जो कि 12 मेगापिक्सल का है। रेडमी नोट 6 प्रो का फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है और फ्रंट पे भी डुअल कैमराज है और दूसरा जो कैमरा है तकरीबन वो भी 5 मेगापिक्सल का है। लेकिन गूगल पिक्सल 3 ए में बैक में सिंगल कैमरा आता है और फ्रंट में भी सिंगल कैमरा आता है, फ्रंट में आता है 5 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा। अभी तो दोनों कैमराज का हमने कंपेरिजन किया डे लाइट में, तो अभी चलते हैं थोड़ी सी रूम लाइट में, तो वहाँ देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है दोनों कैमराज का। गए अभी मैं आ गया हूँ अपने एक रूम में, तो अभी वहाँ में लाइट्स वगैरह सारी ऑफ है, तो रेडमी नोट 6 प्रो का जो मैंने फ्लैश ऑन कर लिया, लेकिन जो मेरा गूगल पिक्सल है इसका फ्लैश अभी ऑन नहीं हो रहा। ये फोन जो है अभी हीटअप हो गया, इसके अंदर एक इशू अभी फाउंड हुआ है कि ये हीटअप भी होता है और हीटअप के साथ इसका वीडियो कैमरा भी नहीं काम करता और ना ही फ्लैश काम करता है। तो अभी जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये सिर्फ रेडमी नोट 6 प्रो के फ्लैश के साथ रिकॉर्ड हो रही है। ऑडियो क्वालिटी भी आप देखिएगा कि रेडमी नोट 6 प्रो की अच्छी है यार गूगल पिक्सल 3 ए की अच्छी। तो अभी आपने कमेंट करके नीचे बताना है कि किन दो फोन की किस फोन की वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, गूगल पिक्सल 3 ए की या रेडमी नोट 6 प्रो की। गूगल पिक्सल 3 है अभी 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर रहा है और जो रेडमी नोट 6 है इसके है 30 FPS, तो वो उसी में रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो अभी आपने देखना है कि वीडियो में स्मूथनेस किसकी ज्यादा है। वैसे तो दोनों के मैंने स्टेबलाइजर ऑफ किए हुए हैं, तो अभी मैं सीढ़ियाँ जो उतर रहा हूँ तो किस कैमरे में ज्यादा जो है स्टेबिलिटी अभी आपको नजर आ रही है, स्मूथनेस आपको नजर आ रही होगी। तो ये अभी हम जा रहे हैं, तो अभी आप बताइएगा कि कौन से कैमरे में स्टेबिलिटी ज्यादा है और कौन से नहीं।
तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है कंपैरिजन, तो हर किस्म की लाइट में हमने कंपैरिजन कर लिया। अभी गए थे एक फ्रेंड आ गया बाहर, तो कार पे ही आ गए थे, अभी मिल गए थे उससे। भाई तो सही, क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और सुना ठीक ठाक, पेट भाड़ है? और सुना कि आया तेन इधर बैठाई बैठे बूठे कि फिर पाया नहीं तेन पता था उधर गेट चलता, तू इधर कि लैके फिर मरम्मल घर नहीं पहुंचाना। ये फ्रेंड है हमारे दुबई से आए हैं, तो बचपन के फ्रेंड है। वो फ्रेंड जो है वो साथ वाली गली से आया और ये बहुत ही साथ वाली गली से आया, तो ये दोनों आपस में बचपन के फ्रेंड है और ये भी वैसे उनकी फ्रेंड है, हमारा भी फ्रेंड है वैसे। तो और भाई तुझे कैसे हैं? ठीक ठाक। कैमरा बंद कर पुत, कैमरा बंद कर। एक गल कहती है, उसके बाद हम गाना वगैरह खाने चले गए थे, तो फिर हमने ब्लॉग मैंने किया ही नहीं। उसके बाद जो दोस्त है उसे बस स्टैंड पे छोड़ा। ओके okay, भाई तो सेफ। ओके तो अभी हम आ गए घर, तो तकरीबन अभी बच रहे हैं, तकरीबन एक बज रहा है, तो व्लॉग एडिट कर रहा था, तो तकरीबन व्लॉग हमारा फाइनल हो चुका है। आज वैसे हमने किया था दोनों मोबाइल का कंपैरिजन, तो नीचे आपने कमेंट करके बताना कि गूगल पिक्सल का कैमरा ज़्यादा अच्छा था कि रेडमी नोट 6 प्रो जो है उसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये गूगल पिक्सल से ही कर रहा हूँ वैसे मैं, तो अभी फ्लैश इसका होना क्योंकि मोबाइल अभी हीटअप नहीं हुआ। उम्मीद है कि आपको आज वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।